वेलकम क्लास सिक्स के बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ पाठ 19 अनुच्छेद लेखन। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहता है पाठ। अनुच्छेद लेखन क्या है, इसे लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। उससे पहले आओ चर्चा करते हैं अनुच्छेद लेखन के विषयों पर। अपने मित्रों से चर्चा कीजिए, किसी विषय के सभी बिंदुओं को ढंग से एक ही अनुच्छेद में प्रस्तुत करने को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 75 से 100 शब्दों में अपने विचार रखे जाते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद को दी गई शब्द सीमा में ही पूरा करना चाहिए। तीसरा है, विषय से संबंधित सभी बिंदुओं को अनुच्छेद में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। और चौथा है, अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ अनुच्छेद का एक उदाहरण दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। ये अनुच्छेद है, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। किसी देश की उन्नति का सबसे सही माध्यम शिक्षा ही है। देश का हर नागरिक जितना अधिक शिक्षित होगा, देश उतनी ही तेजी से तरक्की करेगा। सरकार ने इस बात को जान लिया है, इसी कारण देश में सभी को शिक्षित व साक्षर करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। बच्चों के हाथ में पुस्तक देकर कितनी खुशी मिलती है, किंतु देश का दुर्भाग्य है कि आज हर बच्चे के पास पुस्तक नहीं है। पुस्तकों की जगह उनके हाथ में फावड़ा, बर्तन, कूड़े की पन्नियां आदि है। बाल श्रम एक अपराध है, यह वाक्य बस कहने भर को है, सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। आज भी धनी घरों में नन्हे हाथ मजदूरी में फर्श पर पोछा लगाते हुए दिखाई दे जाते हैं, या जूतों की पॉलिश को चमकाते हुए। अतः हम सब यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि बिना पढ़ लिख कर देश की सही उन्नति नहीं हो सकती। अगला अनुच्छेद है परहित अथवा परोपकार। परोपकार दो शब्दांशों यानी कि पर प्लस उपकार से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दूसरे की भलाई करना। परोपकारी मनुष्य ही सच्चे अर्थों में मनुष्य है, क्योंकि वह केवल अपने लिए नहीं जीता, वह पूरे समाज का भला चाहता है। संपूर्ण संसार के कल्याण में वह अपना जीवन अर्पित कर देता है। सही कारण है कि परहित अथवा परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। वास्तविक मनुष्य वह है जो अपने सुख से अधिक दूसरों के सुख को महत्व दे। मानव संस्कृति की प्राचीनता व निरंतरता का कारण परोपकार है। परोपकार प्रकृति भी करती है। नदी मानव के लिए बहती है, वृक्ष दूसरों के लिए फल उत्पन्न करते हैं, मेघ प्राणी जगत के लिए बरसते हैं। ऋषि दधीची, राजा शिवी, महादानी कर्ण, महात्मा बुद्ध, गांधी, लेनिन आदि ने मानव कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। अतः परोपकार में संकोच नहीं करना चाहिए। हमें व्यक्तिगत हानि लाभ से ऊपर उठकर जन कल्याण की भावना से कर्म करना चाहिए। अगला अनुच्छेद है संघर्ष। संघर्ष का दूसरा नाम है जीवन। ये एक प्रकार से पर्यायवाची है और एक दूसरे के पूरक भी। जीना उसी का है जिसने जीवन के सूत्र को समझ लिया। भयंकर से भयंकर और विपरीत स्थिति पर विजय पाने का एक ही रास्ता है, पूरे आत्मविश्वास के साथ साथ बाधा एवं विपत्तियों से जूझ जाना और संघर्ष करना। जो संघर्ष से बचकर चले वह कायर है। संसार रूपी सागर की ऊंची उफनती लहरों को जिसने चुनौती देना सीख लिया, सफलता की अनुपम मड़ियां उसी ने बटोरी हैं। जो डरकर किनारे बैठ गया वह तो जीवन का दाव ही हार गया। कबीर ने इस भाव को प्रकट करते हुए कहा है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठकर खोजना क्या है, यही संघर्ष अथवा चुनौती को स्वीकारना है, कर्म की आंच में तपना है। यही गीता का भी अमर संदेश है कि कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है और धर्म भी। जीवन पथ पर सफलता मिले या विफलता, संघर्ष करने का संकल्प शिथिल नहीं पड़ना चाहिए। तो यह पाठ पढ़कर हमने सीखा
किसी विषय के सभी बिंदुओं को ढंग से एक ही अनुच्छेद में प्रस्तुत करने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए। अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके साथ हमारा यह पाठ खत्म होता है। अनुच्छेद लेखन का अधिक से अधिक अभ्यास करें। हम मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।